दूसरे दिन ओल बोले यार घर जावा तो निवाण है नाडी नहीं दी आप साफ नहीं राखोला शायद नाडी नो पानी गावरा पीता वाला हाँ साहब जनपद अब क्यों कही है ये पैक्ट बात है साहब निवाण साफ है तो भगवान इंद्र राजी है क्यों मारे गावरा तालाब ने भी गावरा लोग पानी पिए यार निवाण ने एक दिन में पूरा गाँव एक जनो दीट भी ने साफ करा साफ कर पाचा सामरा हेलो कर दे भाई काल निवाण साफ करना एक घर मु एक आदमी शून्य दीट जाया करे जावे तो हुका हुका हेर पाचा आवे बिजोड़ा इतनी इंद्र भगवान की कृपा यदि निवाण ने आप साफ रखो तो भगवान हाथों हाथ इंद्र भगवान राजी व्या करे प्रेम से बोली इंद्र भगवान की जय हो इस वास्ते महात्मा समझावे गुरुदेव कहे सुन चेला था को जन्म सफल कद वेला ये बड़े सोचने की बात है जागरण में तो आया आज जागरण अपन भरे कद पड़े क्यों डॉक्टर करने गया बिना ट्रीटमेंट ता उतर बालो कौन है और रही बात डॉक्टर करने गया जोधपुर में ट्रीटमेंट लिया या 500 रुपया की गोलियां दवाई ला रहा अलमारी में रख दो कहीं देखो 500 रुपया की गोलियां ला रहा अलमारी में रख दो हेर कने बैठा बैठा हम अनाड़ गया ता उतर तेरा घंटा कौन उतरा नहीं सर कुछ नहीं चाय कॉफी दूध की नहीं साहब दवाई पेट में गया बिना ताव उतरवाड़ो आपकी जेब में तो गणाई लाग रही दिया लेकिन गायरे भरे वही जाए जो आप डायरी में लिखाए हो हाँ करोड़ों आप कमाता वेला आपकी आमदनी महीने की करोड़ रुपए लेकिन गौशाला में आपरे लेखे में वही रुपये करोड़ आपरे लेखा मने हाँ खाता में करोड़ लेखो है लेकिन भगवान के घर में लेखो वही है जो आप डायरी में लिखाया या गायरे चारा दिया इन बात प्लीज आप गायों का विशेष ध्यान रखें गौशाला में हर आदमी ने हाजिरी देनी है आज जरूर नहीं 5 जनारी 10 जनारी 15 जनारी कमेटी है वे कमेटी वाला काम करे ना मुसीबत में मारो सपोर्ट करो आप बहुत दौरो मैनेजमेंट तो महात्मा समझायो क्षत्रिय संगत में जानो फिर भक्ति में जीव लगानो आ सत्संग है इमें भक्ति में जीव रखना यदि आप जीव भक्ति में है तो भगवान को प्राप्ति अवश्य कर सका यार भगवान आपने बचा भी सके भगवान आपारो कार्य भी हार सके यदि आप लोग भक्ति में जीव है तो यार भक्ति जरूर नहीं भजन करे जगह नहीं भक्ति कहवे दान करना भी बहुत बड़ी भक्ति है माता पिता की सेवा करनी भी बहुत बड़ी भक्ति है यार कन्या और बहन बेटी को दान देना भी बहुत बड़ी भक्ति है भक्ति ने अनेकों मार्ग बताया महात्मा के गरीब की सेवा करो अभ्यागत की सेवा करो भिखारी की सेवा करो संत ब्राह्मणों की सेवा करो माता पिता की सेवा करो गौ माता की सेवा करो चिड़ी कमेटी की सेवा करो ये सब भक्ति रा मार्ग है महात्मा कहो ना थोड़ो समझे नी माइला सुआ हेर कबीर कहे भक्ति रा मार्ग जीना बहुत जीनो मार्ग है भक्ति रो ते देखो बाजा ढोल का बजाना है तेरी भक्ति पाग जे ना इर लारे भी दान देना पड़े लोगों ने चेतन करना पड़े ना चीज बार बार क्यों कह रही हैं यदि आदमी चेतो आज ही नहीं करी तो कल कुछ नहीं होने वाला है आज 5 बरा टाबर जे लाइन नहीं चौकी पकड़ा होना तो 10 पड़िया बची ने लेन पकड़ा ला कांच में कौन पकड़ा है यदि बच्चे ने सुधारना है तो इन लेवल में तुझे अपन हरू रहना पड़ी यदि अपने जिंदगी बनानी है तो अपने जागरण हरू रहना पड़ी क्योंकि अपन दगांग खेतरी पाली माता बैठा बैठा मुक्ति कर लिया कांच में कौन शरीर तपाए बिना भजन वनालो रही है क्षत्रिय संगत में जानो भक्ति में जीव लगानो आठ बैठा जगह आधा जना जीव भक्ति में है आधा जना जीव है नुक्ति में घना जना चावे नुक्ति वाली बात घड़ी घड़ी क्यों कहे हाँ घनारी आदत भी आ करे नुक्ति वाली क्योंकि राम नाम रो आलशीर भोजन में होशियार तुलसी एडा जीव ने बार बार दितकार आदमी सबसे पहले ध्यान रखे भोजन को नहीं आदो पुरुष ने डाओ संता ने शीश नवाओ सजनो जो कि धाम है आपने कैसे कवर दी हिलोड़ी में आदू धाम है आजकल की धाम नहीं है एडी एडी धाम है इंदौड़ में देखी खेड़ारा धनीरी धाम आप लोग दर्शन भी वाला इंदौड़ में बहुत बड़ी चमत्कारी की ऐतिहासिक कैसे कहूँ जी धाम है आज बटे मेड़ो भरी जो रात्रा बटे जागण ही हाँ सर और बहुत बहुत धन्यवाद ये धाम बोले इंदौड़ से ही पधारी हुई है तो कृपा बोलो खेड़ारा धनी की जय हो बटे सेठ जी गया चरण आता और मेड़ तारा सेठ इंदौड़ी सातलाश बाइड गगराना घंटियारी कांकड़ में गया चराता उन कांकड़ में गया चरार सांपो पाचा मेड़ ता रवाना करता और बा मेड़ता हूं एक गाय पाची इंदौड़ आती और उन केशव कंवर जी ने नाग देवता ने आप रथन सो दूध पिलाती
और वह गाय दूध पिलार पाची मेरता जाती। रोजीना सेठ जी मन में विचार करे अगली गाय तो हाँपे में पाची गोर में गालू रहा, ये गाय पाची कटा जावे भी गाय रे लर लर। सेठ जी आया तो धके इंदौड़ू गगराना इंदौड़ू एक किलोमीटर बारे गगराना रोड माते जीवना पाड़े एक मंदिर है चांतरो बनेड़ो जेटे बंबी है, बंबी में नाग देवता आया बारे और गाय से थनसु दूध पीने लगा। सेठ जी हाथ जोड़ कहो ये नाग देवता मी मारी गाय रो थे पीछो छोड़ो, मारी गौ माता रो आप पीछो छोड़ता वो तो मैं थाना अटे जिन तरीके आप दूध पिला रिया उन तरीके री मूर्ति बनाऊला और उठे मंदिर बनाऊला। वे सेठ जी आप हाथों मंदिर बना गया पता नहीं कत्ता साल होगा आज तक उन मंदिर में तेड़ तक नहीं हाले, तेड़ तक नहीं आलोड़ी। जबकि कने मंदिर बनिया जगह रा पापड़ा फट गया, कहीरा भाटा पड़ गया, कहीं छबड़ा पड़ गया, लेकिन वो मंदिर आज भी है और गौ माता की मूर्ति आज भी वहाँ लगोड़ी है। जिन तरीके नाग देवता थन सो दूध पीने वाते आवता उन तरीके की मूर्ति आज भी इंदौड़ गाँव में मौजूद है। ये बहुत बड़ी चमत्कारी धाम है। प्रेम से बोलिए केसरिया कंवर जी महाराज की। ये कलजुगरा साचा देवता अभी तो घर घर में देवता है, लेकिन है तेजा जी महाराज, बाबू जी महाराज, गोगा जी महाराज, भोम्या जी महाराज, बिगो जी महाराज, ये साचा देवता है। आदु पुरुष ने दाओ संता ने शीश नवाओ, तेरे मन को मार ले पहला ये तेरा जन्म सफल जद वेला। महात्मा कहे यदि मन नहीं मरा, मन नहीं मानियो तो सजनो चाहे भोजन करियो तो ही पछताओ, कपड़ो पहरियो तो ही पछताओ, हिनाण करी तो ही पछताओ, एराटू जोधपुर भोगट में घूमर पाचा गांव हिलोड़ी आएगा तो ही पछताओ। यदि मन मान गो तो अब खेतरे बड़ा को देरी पाचा घर आया तो ही कह रहा न्याल होगा शरीर हड़को वेगो में। यदि मन मानियो तो यार मन मान लियो यार कोई पड़ोसी घर जा रही फलको भी जीवन आया तो कैसा फलान जी करे मैंने पांच पकवान जीवन मिलिया क्यों मन मान गो यार। बाकी तो जूता ठोक तो बोले गेवर जिमा होगा नहीं है जबड़ा ठोक ठोक आजू को दिल जिमा होगा नहीं मन नहीं माने जाने। हाँ तो महात्मा कहो है मन को मार ले पहला तेरा जन्म सफल जद वेला। मारी भाषा तो समझ में आ रही है ना संभारे कैसा मारी भाषा तो समझ में आ रही है। मैं थोड़ो कहीं एक गहूँ कमर क्यों ज्यादा मारो काम है खावणो कमर भागोलनो गणो क्यों भाई नीम भागोला नींद आप आ जाए थोड़ी दारू ये ठंडो दो चार घंटा सरिया जाओ पे बारह घंटा तीन बैठो उबो भागोले आ चीज जाने जगह जाने तो आगे कोई सासू जी भींदनी ने क्यों बैठा थोड़ी भैंस ने बांटो दिया भींदनी ही जोधपुर जिला री हिलोड़ी पढ़ाई दी जोधपुर सिटी री भींदनी एम ए बी ए बी कॉम की जोड़ी पढ़ी लिखी भींदनी ये बेटा भींदनी जाओ ना ये तगारी ले भैंस ने बांटो दिया अब साथ बात होड़ा हथरा किताब पंडोड़ी तगारो ले पर भैंस ने बाटो दो भाड़ा में गेवी तो कह भैंस तो धपोड़ी भागोले भागोले तो थाना मुंडा में जाग आवे भैंस कहीं खाती खाती है कड़सो रहेगो मुंडा में कड़सो बारला पाड़ लटके भैंस उबी भी भागोले भींदनी तगारो लेर पाची घर आ गई हाँ शू कहो बेटा बांटो दियो को भैंस ने कि बांटो कहीं दू हाल तो भैंस कोलगेट करे करीड़ा भागोले उगी भी जगह जाग पड़े मुंडा में बात हेर में यू बुरुष रगड़े भैंस ही बुरुष रगड़ती वेला आ तो चीज कोई जाने जगह जाने बगैर एक नहीं जाने। भक्त वत्सल भगवान की जय।